मेरे काफी फॉलोअर्स ने मेरे को बोला है कि अमित भैया आप ज्यादा वीडियोस अपलोड किया करिए। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे काम करता हूँ। मेरा दिन सवेरे 5:30 बजे शुरू होता है एंड आई बाय द टाइम आई कम बैक टू माय हाउस इट्स अराउंड 6 o'clock, 6 बज जाते हैं शाम के। फिर घर में खाना बनाओ, खाना खाओ, और रात हो जाती है उसमें, फिर टाइम ही नहीं मिलता। बट आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड मोर वीडियोज जनरली, लाइक आई अपलोड एवरी सैटरडे। आज मैंने सोचा कि करना क्या, कुछ डिफरेंट करते हैं। तो जनरली वीक में 1-2 दिन मैं खाना बाहर से मंगाता हूँ, लाइक फ्रॉम डिफरेंट रेस्टोरेंट, डिफरेंट टेकअवेज। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ कि क्या खाना मैंने मंगाया है, फूड कैसा है, रेस्टोरेंट का क्वालिटी कैसा है, फूड क्वालिटी काइंड ऑफ रिव्यू। बट अगेन दैट्स माय पर्सनल रिव्यू, ठीक है। मैं मुझे जैसा टेस्ट लगा वो बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने एक इंडियन गुजराती, क्योंकि मैं अहमदाबाद से हूँ तो मैंने आज सोचा चलो गुजराती थाली ऑर्डर करते हैं। तो गुजराती थाली मैंने ऑर्डर किया है फ्रॉम अ रेस्टोरेंट विच इज कॉल्ड दैट प्लेस। या आई हैव ऑर्डर्ड गुजराती थाली फ्रॉम दैट प्लेस। इट्स नॉट दैट प्लेस, दैट प्लेस, दैट प्लेस इज द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट। सो द जो होटल का जो रेस्टोरेंट का नाम है इट्स कॉल्ड दैट प्लेस। तो देखते हैं, मैंने अभी उबर ईट्स में ऑर्डर किया है, आपको बताता हूँ कैसा दिखता है। जैसे ये है उबर ईट्स में, कोई मेरे को डिलीवरी करने आने वाला है अभी, तो आपके सामने मैं खोलूँगा, खाऊंगा और बताऊंगा आपको कि कैसा टेस्ट रहा। तब तक के लिए भाई साहब वेट एंड कीप स्माइलिंग, ठीक है। टेक केयर गाइस। हेलो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया मैंने उबर ईट से गुजराती थाली ऑर्डर की है, तो गुजराती थाली आ गई है, अभी डिलीवरी हो गई है उबर ईट्स में। तो मैं आपको बताता हूँ कि उबर ईट्स का जो है बैग कैसा होता है। तो जब भी डिलीवरी आती है तो ऐसे बैग में आता है जैसे उबर ईट्स लिखा हुआ है। तो ये जो कप दिख रहा है आपको, ये गुजराती थाली के साथ ये लोग लस्सी भी देते हैं, या तो छाछ कीजिए आप इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में। तो इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड बटर मिल्क मेड ऑफ योगर्ट एंड वाटर एंड सम स्पाइसेस ब्लेंडेड टुगेदर। तो बटर मिल्क, छाछ, लस्सी बोलिए जो खाना खाने के बाद या खाने के साथ खा सकते हैं आप। और ये जो बैग है इसके अंदर देखते हैं क्या क्या इन्होंने डिलीवरी दिया है आज। सबसे पहले लग रहा है ये कुछ स्नैक्स हैं, मैं जो खोलूंगा जल्दी ही। पापड़ है शायद इसमें। इसके अंदर रोटी है, रोटी। अच्छा, ये कुछ स्वीट है मेरे ख्याल से, या तो बासुंदी होगी हिंदी में जो बासुंदी बोलते हैं, या तो खीर होगी, आई एम नॉट टू श्योर। और ये रहा अपना डिनर, जो थाली का बॉक्स है वो ये है। तो इसको खोल के देखते हैं कि क्या है सब चीज के अंदर। तो मैंने पैक खोल लिया है। पैक के अंदर जैसे मैंने आपको कहा था कि रोटियां हैं, तो 1, 2, 3 रोटी है। ये है गुजराती भाखरी, जो भाखरी किसी को नहीं पता तो गूगल कर लें प्लीज़। इट्स लाइक अ पिज़्ज़ा लेकिन रोटी के आटे का बनता है एंड इट्स थिक और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है अगर आप खाओगे सब्जी वब्जी या तो कोई स्वीट्स के साथ। फिर है इनकी थाली में राइस, ये है सम दाल, गुजराती स्वीट दाल। आज इन्होंने वेजिटेबल्स में दिए हैं कैबेज, ये मेरे ख्याल से लग रहा है मिक्स्ड पोटैटो वेजिटेबल, कुछ आलू की सब्जी है। और ये है कैप्सिकम एंड टोमेटोस की करी शायद। साथ में जो स्टार्टर्स के लिए इन्होंने दिया हुआ है वो पापड़, पॉपडम। ये 2 कोफ्ते लग रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ अ कोफ्ता या तो सम सिमिलर, समथिंग सिमिलर टू समोसा। और ये है पूरी, प्लस इन्होंने साथ में दिया है ये स्वीट जो मेरे ख्याल से बासुंदी है या तो स्वीट श्रीखंड है।
तो मैं जल्दी ही टेस्ट कर रहा हूँ एंड आई विल लेट यू नो कि कैसा है. तो आई विल स्टार्ट विद गोभी फर्स्ट, हैविंग अ स्लाइस और सम स्कूप ऑफ राइस. वेरी गुड गाइस, ट्राई करते हैं पोटैटो विथ राइस. ब्यूटीफुली, मेरे ख्याल से पोटैटोज विथ आलू, आलू बैंगन की सब्जी है वो. आई ट्राई सम कैप्सिकम सब्जी विथ राइस, अगेन स्कूप ऑफ राइस. अमेजिंग गाइस, लेट्स ट्राई दाल. अभी मैं दाल ट्राई कर रहा हूँ एंड हैव विथ राइस अगेन. मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम, आपका भी टाइम मैं बर्बाद नहीं करना चाहता पूरा डिनर खाते दिखाते हुए. ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया गाइस. यहाँ पे जो ऑकलैंड में जो मैंने पहले गुजराती स्टाइल की जो दाल खाई हो, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी हो, वो ये रेस्टोरेंट की बहुत ही बढ़िया गुजराती स्टाइल दाल. लेट्स क्विकली ट्राई कोफ्ता, ये जो स्नैक है. अमेजिंग, इसके अंदर का फीलिंग, इन्होंने कुछ दाल है, इट्स मेड ऑफ दाल लेंटिल्स, वेरी नाइस. भाकरी का एक मैं टेस्ट कर रहा हूँ जल्दी से. आई विल हैव वी से पोटेटो सब्जी. मजा आ जाता है भाकरी. इंडिया में जब मैं रहता था तो हमारे घर पे एक मोहन लाल करके हैं, मोहन लाल करके कुक आते थे घर पे, शेफ जो घर पे खाना बनाने आते थे. मोहन लाल जी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे भी हम गुजराती खाना खाते हैं, तो वेरी गुड. लेट्स ट्राई स्वीट एज वेल बिफोर. मैं ये पूरी पूरी टेस्ट नहीं कर रहा अभी क्योंकि इट्स जस्ट लाइक सिमिलर टू नॉर्मल रोटी और पूरी एक ही टेस्ट है, पापड़ तो पापड़ जैसा टेस्ट है. लेट्स ट्राई स्वीट एंड आई लेट यू नो कि क्या है ये. ये एग्जैक्टली बासुंदी है जो मैंने आपको पहले बताया था. लुक्स फ्रॉम इट वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. तो गाइस, इफ यू एवर कम टू ऑकलैंड, कभी आपको चांस लगा, आई वुड से लाइक आउट ऑफ 10 मैं ये रेस्टोरेंट को दूंगा. मैं उनके रेस्टोरेंट पे कभी नहीं गया, हमेशा उबर ईट से मैंने मंगाया है, इसलिए आई वुड से फ्रॉम माई पर्सनल थॉट्स मैं इनको दूंगा 8, 8 out of 10, क्योंकि जो फूड है, जो खाना है, बिल्कुल घर जैसा मुझे लगा. लाइक गुजरात में घर पे जो खाना बनाते हैं, नो ग्रेवी जो बोलते हैं ना, ग्रेवी रेस्टोरेंट वाले तैयार करके रखते हैं, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा. सो वेरी नाइस. सो इफ यू गाइज एवर कम टू ऑकलैंड, तो आपको गुजराती खाने की या तो इंडियन खाने का चांस लगे, इच्छा हुआ, तो प्लीज मेक श्योर यू गो टू दिस रेस्टोरेंट, टेक अवे कॉल्ड दैट प्लेस. So that place, today from me you get 8 out of 10. Very nice food. आप घर की याद दिलाते हैं मेरे को, तो थैंक यू वेरी मच. ठीक है भाई, तो ये मेरा आज का दिन रहा. आई होप यू लाइक दिस स्मॉल एफर्ट जो मैंने किया. रेगुलर लाइफ है मेरी भाई, ये मैंने कुछ स्पेशल ओकेजन तो की नहीं है क्योंकि मैं हमेशा उबर ईट से मंगाते रहता हूँ एक दो दिन वीक में. तो लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग एज वेल अलग अलग रेस्टोरेंट का. मैं जब भी ऑर्डर करूँगा आपको बताऊँगा क्या ऑर्डर किया. तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, ओके. और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए. आई एम जस्ट शोइंग माई नॉर्मल लाइफ इन न्यूजीलैंड. ठीक है भाई, टेक केयर. Everyone enjoy your life and always think positive in life. Take care until next time.